हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीट का चीला। तो आप देख सकते हैं इतना बढ़िया सा बीट का चीला बनता है। बस इस तरह से, और इसे हमें डाल देना है थोड़ा सा तेल और इसे थोड़े टाइम के लिए पकने देना है। और जब ये पक जाए तब हम इसे पलट देना है। यहाँ पे कवर हटा देंगे और उसके बाद आप पहले ही थोड़ा सा साइड से इस तरह से निकाल लें, या फिर चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं। और आराम से इसे निकाल करके इसे हल्का सा पलट दें। तो आपने देखा कितना आसान तरीका है बीट चीला बनाना, और आप देख सकते हैं कितना पतला भी बना है। तो चलिए इसे देखते हैं स्टार्टिंग से कैसे बनाना है। बीट चीला बनाने के लिए हमें चाहिए मिक्स दाल, ये दाल मिक्स है, और इसमें मसूर, मूंग, तुअर, आप चाहें तो थोड़ा चना भी डाल सकते हैं। इसे हमें भिगो लेना है रात भर। वैसे 2 घंटे में भी भीग जाता है, पर अगर रात भर भिगोए तो अच्छी बात है, और जल्दी बनाना है तो 2-3 घंटे पहले डाल दीजिए, हो जाता है। और 1 कटोरी में हमें 1 बीट लेना है, और साथ में लेना है लहसुन और मिर्ची थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो 1 कटोरी के हिसाब से ज़्यादा तीखा ना हो इसलिए 4 मिर्ची काफ़ी है, आप और तीखा खाते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं ली हूँ लहसुन 7 कली है ये, तो इसे भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, बहुत ज़्यादा लहसुन भी रहा तो अच्छा नहीं लगता है। और 1 कटोरी रवा है, जब ये भीग जाएगा तब हम इनको इकट्ठा पीसेंगे। तो सबसे पहले इनको हम जार में डाल करके पीस लेते हैं। और इसके साथ मैं एक चटनी बनाऊंगी, आप चाहें तो रस्से वाली सब्जी भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मिर्च लेना है, हरी मिर्च और लहसुन, इसे भून लेंगे सेंगदाना को, साथ में नींबू डालेंगे। 1 कटोरी में 1 नींबू आप डाल देंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और मिर्च और लहसुन कम ज़्यादा कर सकते हैं, लहसुन हमें कम ही डालना है, इतना लहसुन काफ़ी इसके लिए। और थोड़ा और टेस्ट बढ़ाना तो 1 आध लहसुन डाल सकते हैं, और मिर्च इतना के साथ इतना ठीक है। तो इस तरह से भून करके इनको भून लेंगे, और पीसते वक्त इनको इसमें निचोड़ के नमक डाल के एक चटनी तैयार कर लेंगे। और इस तरह से हमें पीस लेना है पहले, ये ज़रूर कीजिएगा, साथ में पीसने से वो गुठली रह जाती है। और ये भीगे हुए दाल को डाल करके हमें इकट्ठा, और रवा जो दाल और भी है, और ये रवा जो है, और साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल करके हम इसे पीस लेंगे। और इस तरह से हमें इसे पीस कर तैयार कर लेना, बिल्कुल बारीक हो गया है। और इसे हमें थोड़ा और पतला करना होगा चीला बनाने के लिए, ताकि चीला जो है वो पतला पतला बने। तो मैं यहाँ पे इसमें ही पानी डाल करके इसे प्रेस करके और इसे थोड़ा पतला कर देती हूँ। थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें, इसे अच्छे से मिला करके, बस इतना ही, इसी तरह का हमें बैटर चाहिए। और इससे अभी हम चीला बनाएंगे। इस तरह से, जो बिल्कुल आराम से इस तरह से बराबर गिर जाए, इस तरह का बैटर तैयार हो गया। और अगर बनाते वक्त आपको लगा कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी डाल करके जब आप 1-2 चीला बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पतला बन रहा है या नहीं। अगर थोड़ा मोटा बन रहा हो तो थोड़ा सा पानी डाल करके इसे आप फिर से बनाने के लायक तैयार कर सकते हैं। और चीला बनाने के लिए हमेशा आप कॉटन का कपड़ा एक गीला करके रखिए, रवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर एकदम बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। और बैटर को ले करके
आप बड़ा बनाना चाहें तवा अगर बड़ा है तो ज़्यादा डाल दीजिए, छोटा बनाना चाहें तो थोड़ा कम डालिए। और बस जैसे डोसा बनाते हैं ना वैसे ही हमें इसे आराम से, अगर तवा आपका ज़्यादा गर्म होगा तो ये बिल्कुल साइड साइड से छोड़ने लगेगा, और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा मोटा है तो साइड का हम हटा लेंगे। आप हाथों से मत हटाइएगा, चम्मच या फिर इस तरह का छलनी होता है उससे हटा सकते हैं। और तेल डाल के थोड़ा देर कवर कर देते हैं। इसे ज़्यादा नहीं पकाना अंदर, यानी कि नीचे से अगर ज़्यादा रोस्ट होगा तो फिर वो कुरकुरा हो जाएगा। आपको कुरकुरा खाना तभी पकाइए, नहीं तो इस तरह से छीला खाना है तो नॉर्मल ही पकाना है। और फिर इस तरह से हमें हटा करके सबसे पहले थोड़ा सा कॉर्नर से इसे निकाल लीजिए। आप चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं, इस तरह से थोड़ा निकालने के बाद इसे पकड़ करके आराम से ऐसे निकाला जाता है। आप पूरी छोलनी की मदद या जो पलटा बोलते हैं कुछ लोग उसे निकालिए, और इस तरह से 2 मिनट इधर से पकने देंगे, क्योंकि ये तो बीट भी हेल्दी है और दालें भी पूरे प्रोटीन से भरी हुई हैं। तो आपका ये हेल्दी छीला रेडी हो गया। और अगर आप कुरकुरा करके खाना चाहते हैं तो कुरकुरा करके खाइए, बाकी छीला तैयार हो गया। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और आपने देखा कितना आसान तरीके से छीला बनाया जा सकता है, और आप देख रहे हैं कितना पतला है। आप चाहें तो इसे एकदम मुट्ठी मिश्रा से ले लेंगे, और बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये छीला आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपने कभी अपने घर पे बनाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से आप छीला अपने घर पे बनाते हैं। और अगर नहीं बनाया है तो इसे बनाकर खाइएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा लगेगा और बिल्कुल प्रोटीन से भरा हुआ है। और मेरा ये छीला बनाने का अगर तरीका आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।